ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम में से काफ़ी ऐसे डॉग ओनर होंगे जिन्होंने अपने डॉग को कुछ उल्टा सीधा जंक फूड वगैरह कभी ना कभी तो खिलाया ही होगा, चाहे वो आलू भुजिया हो या फिर फ्रेंच फ्राइज़ हो या फिर बर्गर की पैटी हो या फिर कोई भी ऐसा वैसा सामान जो कि तेल में तला हुआ हो या फिर घर पे जो बनता हो। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने डॉग को फीड करते हैं, लेकिन घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, और अगर आपने गलती से उस चीज़ को अपने डॉग को फीड कर दिया तो हो सकता है कि उसकी जान भी चली जाए। आज की ये जो वीडियो है ये सभी डॉग ओनर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो होने वाली है, तो मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे ह्यूमन फूड्स के बारे में जो कि आपके डॉग की जान ले सकती है, जिसे आपको अपने डॉग को गलती से भी फीड नहीं करना। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, और अगर चैनल पे नए हैं तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने नंबर 1 फूड से, जो कि है ग्रेप्स और रेजन्स, यानी कि किशमिश और अंगूर। अब देखो, किशमिश जो है वो अंगूर से ही बनता है, तो अल्टीमेटली वो दोनों एक ही चीज है। अब ह्यूमंस के लिए जो है ना, इनको कंज्यूम करना बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीजें हमारे डॉग्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगर वो इसे इनटेक कर ले तो उनकी किडनी फेलियर की भी चांसेस आ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंगूर और किशमिश जो होते हैं ना, इसमें एक तरीके का एसिड होता है जिसे टार्टारिक एसिड कहा जाता है, और हल्का सा भी अगर आपके डॉग की बॉडी में ये जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, और अगर थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चला गया तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। शुरू शुरू में तो किडनी फेलियर के चांसेस नहीं लगेंगे, सबसे पहले डायरिया, वॉमिटिंग, बुखार आना, इन सब चीजों से स्टार्ट होगा, लेकिन अगर ये जो टार्टारिक एसिड है बॉडी में ज्यादा रहा तो वो किडनी फेलियर तक लीड कर सकता है। तो ग्रेप्स या फिर अंगूर या फिर किशमिश, आप जो भी बोले, इन सब चीजों को अपनी डॉग से बिल्कुल ही दूर हटा के रखिए। अब बात करें सेकेंड फूड की, तो वो है चॉकलेट। अब देखो, चॉकलेट हर किसी को खाना पसंद है, ठीक है, झूठ मत बोलना, चॉकलेट हर किसी को खाना पसंद है, लेकिन चॉकलेट डॉग्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। चॉकलेट में एक्चुअली जो है दो तरीके के कॉम्पाउंड होते हैं, थियोब्रोमीन और कैफीन, जो कि डार्क चॉकलेट में ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। डार्क चॉकलेट में सबसे ज्यादा होती है, मिल्क चॉकलेट में उससे कम होती है, और व्हाइट चॉकलेट में ऑलमोस्ट ना के बराबर आप कह सकते हैं। तो अगर आप अपने डॉग को बाय चांस अगर गलती से जो है डार्क चॉकलेट फीड करते हैं कुछ अमाउंट में, तो वहां पे ये जो थियोब्रोमीन और कैफीन जैसे कॉम्पाउंड्स है ये आपके डॉग के बॉडी में एंटर करेंगे, फिर उसके बाद आपके डॉग को वॉमिटिंग, डायरिया और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, और अगर ज्यादा अमाउंट में इनटेक कर ले तो सडन डेथ भी हो सकती है। तो चॉकलेट जो है आपके डॉग के लिए एक जहर की तरह काम करता है। अब आते हैं हमारे थर्ड टॉक्सिक फूड की, तो ये जो चीज़ है ये हर एक घर में मिल जाती है, मतलब हर एक घर में कॉमन है। ये दो चीज़ें हैं गार्लिक और अनियन, लहसुन और प्याज। ये दोनों चीज़ें हम इंसान जो है अपनी रेगुलरली मील्स में जो है कंज्यूम करते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए ये कंज्यूम करना डेंजरस हो सकता है। लहसुन और प्याज जो है इनमें कई तरीके के ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो कि डॉग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, जो कि उनके रेड ब्लड सेल्स यानी कि खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसको डैमेज कर सकता है, और उसकी वजह से वीकनेस, अनीमिया, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ऐसी कुछ चीज़ें आपके डॉग के साथ हो सकती है, और अगर ज़्यादा अमाउंट में हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन हाँ, एक और बात ये भी सच्चाई है कि कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज जो है वो ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू एक पका हुआ लहसुन या फिर प्याज जो किसी सब्जी में डला हुआ हो। तो अगर आप अपने डॉग को घर का खाना फीड करते हैं, उसे सब्जी वगैरह देते हैं, उसमें काफ़ी भर भर के जो है प्याज या फिर लहसुन नहीं है, तो हो सकता है उसके लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, लेकिन कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन जो है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब बात करें अपने फोर्थ फूड के बारे में, तो ये है ज़ाइलेटॉल। अब आप में से जितने लोगों को नहीं पता कि ये ज़ाइलेटॉल क्या है, तो आपको बता दूँ, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि शुगर फ्री गम्स या फिर कैंडीज या फिर काफ़ी सारे खाने वगैरह में यूज होता है। जो डायबिटीज पेशेंट है वो जानते होंगे कि ज़ाइलेटॉल क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो कि चीनी जैसा ही टेस्ट करता है लेकिन चीनी नहीं होता। तो ये जो ज़ाइलेटॉल है ना, ये डॉग्स की बॉडी में अगर जाए तो बहुत ही तेज़ी से जो है इंसुलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से
लो ब्लड शुगर हो सकता है, या फिर उसको दौरे पड़ सकते हैं, या फिर लिवर फेलियर हो सकता है। तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ज़ाइलेटॉल, खैर हालांकि सबके घर में ये अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जिनके घर में है और अगर उनका डॉग ये गलती से कंज्यूम कर ले, तो ज़ाइलेटॉल जो है किसी डॉग की बॉडी में जाने के बाद बहुत ही तेजी से जो है इंसुलिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से लो ब्लड शुगर तो हो ही सकता है और दौरे भी पड़ सकते हैं और साथ में उसको लिवर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे जो चीज़ है वो एक्चुअली कोई फूड नहीं है। ह्यूमंस के लिए ये डेंजरस है ही, लेकिन साथ ही साथ डॉग्स के लिए और भी ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल की। अब देखो, अल्कोहल आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि ड्रिंक करते होंगे, तो हम में से काफ़ी लोगों को एडवर्ट के जरिए काफ़ी बार ये समझाया जाता है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज दिस एंड दैट इफ रेगुलरली कंज्यूम्ड। सो काफ़ी लोग हैं जो कि रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन कुछ ऐसे निहायती बेकार लोग हैं जो कि अपने डॉग को भी अल्कोहल ड्रिंक करवाते हैं। जी हाँ, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैंने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी है जहाँ पे कुछ बंदे जो है खुद खा पी रहे हैं और साथ ही साथ डॉग्स को भी ज़बरदस्ती अपने जो है ड्रिंक करवा रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डॉग्स खुद से तो ड्रिंक करते नहीं हैं, लेकिन जो है कभी कभार ओनर जो है नशे में आके उसको ड्रिंक करवाता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डॉग्स के लिए अल्कोहल जो है जितना ह्यूमंस के लिए ख़तरनाक है, उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक है डॉग्स के लिए। उसमें ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है उसको, और कुछ महीनों में ही शायद उसकी मौत भी हो जाए, और स्टार्टिंग में जो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, हार्ट प्रॉब्लम, इन सब जैसी प्रॉब्लम भी उसको आ सकती है। ये थी वो पांच चीज़ें जो कि आपके डॉग के लिए डेंजरस हो सकती है, एक तरीके से पॉइजन का काम कर सकती है, और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि अगर लार्ज अमाउंट में इंटेक कर ले तो उसकी जान भी चली जा सकती है। अपने डॉग को क्या खिलाते हो, क्या देते हो, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो, और उम्मीद है आप में से काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना इन सभी चीज़ों के बारे में। मेरा नाम है आदित्य, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।